है तो आएगा। मालदी ना, मालदी ना, कोरी ना, देव ना, वो सुन रहे काम आ गया तो माल तो जा। कोरी दे दे, कोरी ना आप ना, आप जन। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार में जमीन सर्वे का काम जो है वो कराया जा रहा है और आप लगातार तस्वीरें भी देख रहे हैं लाइव सिटीज पर कि कैसे जमीन सर्वे से संबंधित कोई जानकारी लोगों को कैसे मिल सके और वहीं किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर जो मन में दिक्कतें हैं, जो सवाल है, उसे कैसे खत्म किया जाए। लेकिन वहीं आपको यह भी बता दें तो जमीन सर्वे के नाम पर बड़े स्तर पर जो अधिकारी हैं वो घूस भी लेते हुए नजर आ रहे हैं, रिश्वत भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको कई वीडियोज दिखाया था जिसमें कैसे जो राजस्व अधिकारी हैं, जो राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं, वो घूस लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे पहले भी आपने देखा था कि कैसे सांसद हैं सुधाकर सिंह, उन्होंने भी वीडियो वायरल करके इस बात की जानकारी दी थी कि बिहार में जहां जमीन सर्वे का काम सरकार की तरफ से कराया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां पर जो राजस्व अधिकारी है वो घूस लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर बेतिया से सामने आई है जहां पर जो राजस्व अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि माल दो काम कराओ। दरअसल ये खबर बघा की है जहां ठकराहा अंचल के राजस्व कर्मचारी द्वारा खुलेआम भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र बनाने के एवज में 1,000 रुपये घूस लेता हुआ वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। हालांकि आपको यह भी बता दें तो लाइव सिटीज इस वायरल वीडियो की पुष्टि जो है वो नहीं करता है। हालांकि कर्मचारी जगई राम पहले भी रामनगर अंचल में रिश्वत लेते रंगे हाथों निगरानी के हत्थे भी चढ़ चुके हैं और इधर भी तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी जो है वो निकल कर सामने आई। और खुद बगहा में तैनात IAS SDM गौरव कुमार ने बताया कि वीडियो की जांच करने के बाद अगर कर्मचारी दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई जो है वो भी की जाएगी, क्योंकि वीडियो में कर्मचारी का भूधारकों से यह कहते हुए साफ साफ देखा जा रहा है, सुना जा रहा है कि माल दो और काम कराओ। आप ये पूरा वीडियो भी देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पर ये एक ग्रामीण जो है वो पहुँचे हुए अपने काम को कराने को लेकर और जो वहाँ पर राजस्व कर्मचारी है वो कैसे इनसे पैसा भी ले रहे हैं और इन्हें पैसा जो है वो थमाया भी जा रहा है। वो तस्वीर आप देखिए। आई तो हम लिखे रिपोर्ट काले बजे मेरुआ जल में तो आई हमें लगेगा कि आप डाले हैं तो हमारे पास आएगा। अच्छा, और जैसे ना बता रहे थे कि ले जाएंगे ठीक बात, डाले हैं तो आएगा, हम डाले तो आएगा 1255 हम इसे ऐसा देखें नून ना हाई हाँ भैया कर लगा जापान माल दी, माल दी ना कोरी ना देव ना वो सुन रहे काम आ गया तो दे दो दुकान खरीद लीजिए माल दो जा दे दो बता दे दो कौन है तू आई बड़ा दो लेकर आई बड़ा दो ना पत्र ही मिलेगा देख कोरी दे दे बंद कोरी ना आप ना वो लोग आप बात करने ठीक बात हमारे तो दे12:55
ना एक कट्ठा हुई धारा से मतलब अच्छा ग्यारह कट्ठा ओहो मेन मेन खतियान के ब्यौरा जी 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 खतियान ही रखवा जी जी हाँ सही हेलो अच्छा कह एक कट्ठा बा जा ऑफिस में कह कहीं हाकिम के भेज दे हमरा लिख जा कोई जन ऑफिस में कर दे तो आपने ये पूरा वीडियो देखा और तस्वीर भी आपने साफ तौर से देखी है कि कैसे जो ग्रामीण वहां पर पहुंचे थे काम करवाने को लेकर वो वहां मौजूद राजस्व अधिकारी को जो कर्मचारी है उन्हें पैसे देते हुए नजर आ रही थी। इसी से आप समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ सरकार ने लैंड सर्वे कराने का जो बड़ा फैसला लिया है और आप देख रहे लगातार इसको लेकर काफ़ी फजीहत भी हो रही है क्योंकि विपक्ष जो है लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है कि जिस तरीके से नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है लैंड सर्वे कराने का और इसमें यह भी देखने को मिल रहा है कि बड़े स्तर पर जो अधिकारी हैं वो घूस लेते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि हर जगह हम एक जगह की बात नहीं कर रहे हैं हर जगह अगर कोई भी वहाँ पर अपने काम कराने को लेकर पहुँचता है तो उसके एवज में उससे पैसे जो है उसकी डिमांड ज़रूर की जाती है और लगातार अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है जमीन सर्वे कराने को लेकर तो वहीं दूसरी तरफ यह भी दिक्कतें आ रही हैं कि आखिरकार जो ग्रामीण है या फिर जो लोग हैं काम कराए तो कराए कैसे क्योंकि इसके एवज में उनसे पैसे की डिमांड जो है वो की जा रही है। और आपने ये भी तस्वीरें देखी कि कैसे ये बगहा की तस्वीरें थी जहां पर जो राजस्व कर्मचारी है वो साफ तौर से कह रहे हैं कि माल दो और काम करा। वहीं इसके बारे में जो अधिकारी हैं उन्होंने भी कहा है कि इस पूरे वीडियो की जांच की जाएगी अगर कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो भी की जाएगी। और ये तमाम तस्वीरें भी आपने देखी है कि कैसे 500-500 के नोट जो है वो ये अधिकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में इन दिनों भूमि सर्वे का काम जो है वो चल रहा है और इन तमाम चीज़ों को लेकर आप देख रहे हैं कि कैसे जो घुसखोर अधिकारी हैं कर्मचारी हैं वो पैसे लेने से बाज नहीं आ रहे हैं वो घुसखोरी तो कर ही रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें फेसबुक पेज को लाइक करें। ठीक बात।